हेलो दोस्तों, मैं हूँ पिनाकिन चौधरी और आज हम आए हैं गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में, जो कि अहमदाबाद के चांदखेड़ा गांव के पास पड़ती है। चलो तो दोस्तों, हम पूरी यूनिवर्सिटी देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं। ये देखो दोस्तों, जीटीयू यूनिवर्सिटी, ये रास्ते पर आती है। यहाँ से आप, ये अंडर गेट है जीटीयू का। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं इधर अहमदाबाद आया था जीटीयू यानी कि गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर मेरा सर्टिफिकेट में कुछ इश्यू था, तो वो मैं उसको अच्छा करवाने के लिए आया था। मेरा सर्टिफिकेट क्या है कि वो घर पे अभी तक आया नहीं, इश्यू था, इसमें पेमेंट का प्रॉब्लम हुआ था, तो इसलिए मुझे इधर आना पड़ा था। अभी मुझे सॉल्यूशन मिल गया है, तो अभी आपको देखता हूँ। इधर जीटीयू में आया हूँ तो जीटीयू का वीडियो बना लेता हूँ। मैंने सोचा जीटीयू में आया ही हूँ तो जीटीयू का वीडियो भी बना लेता हूँ। ये रहा दोस्तों जीटीयू एडमिशन सेल की तरफ जाने का यहाँ से रास्ता है, वो बोर्ड लगाया हुआ है यहाँ पर। और ये बाइक वाला आ रहा है सामने से। अब हम ये रास्ते से सीधा GTO सेल जो है, एडमिशन सेल, वहाँ पर जाएंगे। चलो हम अब वहाँ पर चलते हैं। ये देखो GTO की बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग है ये। और ये जो पूरा पार्किंग एरिया है वो GTO के स्टाफ के लिए। GTO कैंपस के आगे गार्डन बना हुआ है ये। अभी ट्रीज इतने बड़े हुए नहीं है। ये अभी हम आ गए हैं ये बिल्डिंग के पास। बस ये बिल्डिंग में मेरा काम है, उसी में मेरा वो सर्टिफिकेट वाला प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करेंगे हम। वो क्या हुआ था कि मेरा जो डिग्री मैंने ख़त्म किया है 2020 में, बट मेरा जो सर्टिफिकेट है वो अभी तक नहीं आया, क्योंकि मैंने जो इसमें फॉर्म फिलअप करने का रहता, वो फॉर्म फिलअप करने में वो पेमेंट वाला कोई एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया था, पेमेंट भी किया था, पर वो पेमेंट फिर से कैंसिल हो गया था। तो अभी मुझे फिर से GTO में फॉर्म भरना पड़ेगा और पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आएगा मेरा सर्टिफिकेट। चलो तो अब आ ही गए हैं यहाँ पर। ये सब स्टूडेंट लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पर, ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम रहता है किसी का सर्टिफिकेट का, ऐसा कुछ भी। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में रहते हैं ना, वो सब स्टूडेंटों का जो कोई प्रॉब्लम रहता है वो सब यहाँ पर आके हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम फाइनली, हमारी एंट्री हो चुकी है यहाँ पर GTO एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में। एडमिशन प्रोसेस भी यहाँ से हैंडल होता है पूरा GTO ये गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में।
ये एडमिशन के टाइम पर यहाँ पर आना पड़ता है, ये जो विंडो लगाई हुई है ना, यहाँ पर आते हैं हम लोग। अगर आपका एडमिशन लेना हो तो यहाँ पर विंडो वो चालू रहती है, एडमिशन टाइम रहता है तब। और ये इनोवा पड़ी, ये GTO का वाइस चांसलर है उनकी है। ये बाहर खड़ा था अभी, वो ये मोबाइल में कुछ चेक कर रहा है। आचार्य देवव्रत श्री है ना, ऐसा कुछ नाम है वो ही है। और ये विजिटर का पार्किंग एरिया है ये पूरा। अभी आपको गाड़ी देखी ना, वो और हम चलो, मेरा वो काम ख़त्म हो गया अभी। मैंने हम ये दूसरी साइड जा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है उसकी बैक साइड पर जाएंगे हम लोग। ये जो गाड़ियाँ पड़ी है ये विजिटर पार्किंग के लिए है, ये लिखा ही है, ये सामने बोर्ड है देखो, ये पूरा बोर्ड लगा दिया है विजिटर पार्किंग्स के लिए है। यानी हम लोग सीधे बाइक को या अपने पास कार बार हो तो यहाँ पर आके पार्क कर दीजिएगा, सीधा डायरेक्ट बिल्डिंग के सामने। चलो अब हम पीछे जाके देखेंगे क्या है क्या नहीं है पीछे। पूरी बाइक पार्क की हुई है, पार्किंग एरिया अलग से दिया हुआ है, फिर भी ये रास्ते पर पार्क कर दिए सब लोगों ने। चलो देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। आज आपको पूरी यूनिवर्सिटी घुमाने वाला हूँ मैं। हाँ दोस्तों, मैं चल के ही वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए वीडियो में थोड़ी देर तो लगेगी। पर आप पूरी यूनिवर्सिटी देखना चाहते हो तो फिर प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा देखें, एंड तक देखते रहें। और आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें यार। हम तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो प्लीज़ दोस्तों। अगर आपने वीडियो देखा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो। चलो ये कुछ आ गया, ग्राउंड है, किसका ग्राउंड है, ओके। पूरा जो बास्केटबॉल का ग्राउंड है दोस्तों, ये मतलब अभी इतना कुछ हुआ नहीं है डेवलप, तो अभी सब कचरा निकला है इधर। चलो आगे जाते हैं, आगे किसका ग्राउंड है वो भी दिखा देता हूँ मैं। बहुत सारी जगह खाली पड़ी है इधर अभी। ये दोस्तों फुटबॉल का ग्राउंड देखो, ये पूरा जो एरिया दिख रहा है सामने, ये बड़ा ग्राउंड है, ये फुटबॉल का ग्राउंड है। और ये सामने ये बिल्डिंग देख रही है, ये GTO के स्टाफ के लिए रेसिडेंशियल एरिया है। यानी यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो भी जॉब करते हैं उन लोगों का रेसिडेंशियल एरिया। अब हम रिटर्न जाएंगे, इधर कबड्डी का ग्राउंड है। और रिटर्न में आते हैं तो ये बिल्डिंग पीछे चाहे ऐसे दिखती है, देखो ये हम गए थे ना अंदर एडमिशन बिल्डिंग में। और ये दिख रहे हैं, ये बॉयज हॉस्टल है दोस्तों, बॉयज हॉस्टल। हाँ, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल है ये।
अभी हाल में ये एडमिशन कमेटी जो बिल्डिंग है उसके एग्जैक्ट पीछे वाले एरिया में हूँ। पीछे एक रास्ता जाता है, वो रास्ते पर से चलते चलते जा रहा हूँ। ये भी पार्किंग एरिया है स्टाफ के लिए, ये पीछे वाले साइड में ही है। ये बास्केटबॉल का ग्राउंड है। बास्केटबॉल का ग्राउंड आपको दिखाया है वो। इधर से हम जाएंगे तो इधर से कॉलेज चालू है, इसलिए जाने नहीं देते। तो मुड़ के फिर से मैं इस इधर आ गया। इस कैंपस में ही वो विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो है। अभी हम वहाँ पर चलेंगे। विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो आपको दिखा देता हूँ मैं। दोस्तों आप वीडियो एंड तक बने रहिएगा, वीडियो में वीडियो पूरा देख के जाओ दोस्तों, वीडियो को छोड़ के मत भागा करो। और आप वीडियो देख के है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो आपको कैसे कैसे वीडियो पसंद है। तो हम अगली बार आप जो बोलोगे वहीं पर जाकर अच्छा वीडियो बनाएंगे यार, हमें मोटिवेशन मिलेगा। ये जूटियों का स्टाफ है, ये कर्मचारी लोग है, ये साफ सफाई वगैरह करवाते हैं यहाँ पर। हाँ वो लॉकडाउन की वजह से पूरी बंद थी यूनिवर्सिटी, तो अभी सब धीरे धीरे चालू हो रहा है। अभी तो अच्छा खासा चल रहा है, अभी सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी चालू हो गई है, पहले से तो बेहतरीन चल रहा है। अभी बीच में कोरोना की वजह से सब बंद पड़ा था, अभी तो बहुत अच्छा है, अभी चालू है तो। यार आज बहुत धूप भी है, क्या करें। चलो अब हम कॉलेज के पास आ ही गए हैं। ये सब स्टूडेंट लोग हैं, कॉलेज में आए होंगे। हम ये विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने आ गए। देखो ये बोर्ड लगाया हुआ है, विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ अहमदाबाद। ये जो है ये गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही आती है। आगे जाएंगे अब हम, आगे क्या है आपको पूरी यूनिवर्सिटी घुमाता हूँ दोस्तों। मैं पूरी यूनिवर्सिटी चल के घुमा हूँ, तो आप इस वीडियो को, आपको तो ये वीडियो देखने का बनता ही है। मैं धूप में चल के बनाया आपके लिए ये वीडियो, पूरी यूनिवर्सिटी चल के ही मैंने घूम के बनाई ये वीडियो पूरा। आपका आपको तो इतना फर्ज बनता है कि आप ये वीडियो पूरा देखें। ये रही
ये अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बिल्डिंग बनाई है दोस्तों। ये कॉलेज पार्किंग था, जो गाड़ियां रखी थी वो सब। बहुत लंबा रास्ता है यार, चल के तो थक भी जाते हैं। चलो चलो आपको घुमाता हूँ पूरी यूनिवर्सिटी, बस आप देखते जाओ। बस अभी थोड़ा सा ही बाकी है, अब हम पूरी यूनिवर्सिटी घूमने वाले हैं। बस घूम लिया ऐसा समझो। ये क्या लिखा है, गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल है दोस्तों, दिखाता हूँ आपको भी, देख लेना। उस कोने में बॉयज़ हॉस्टल थी और इधर गर्ल्स हॉस्टल है। ये रही गर्ल्स हॉस्टल, देखो। अभी आगे जाएंगे, आगे कौन सी बिल्डिंग है आपको बता देता हूँ, फिर वहां से रिटर्न। ये जो बिल्डिंग है उसके पीछे पूरा रेसिडेंशियल एरिया लग जाता है, यानी यूनिवर्सिटी कैंपस खत्म हो जाता है। हाँ, ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वो कॉलेज की बिल्डिंग ही है, विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज की लैब वो सब है वहाँ पर। चलो तो हम आगे नहीं जाते, यहाँ से हमें रिटर्न मार देते हैं अभी। चलो हम रिटर्न आ गए। ये पार्किंग एरिया था वो है। चलो तो अब हम वहाँ पर सेंटर में आ गए फिर से, ये कॉलेज के। अभी ये कॉलेज के ये रास्ता जाता है एग्जिट की ओर, एग्जिट गेट। हाँ, वो एंट्री गेट था, हम लोग जहाँ से एंटर हुए थे, और ये एग्जिट गेट है दोस्तों। यूनिवर्सिटी का आपका ये पूरी यूनिवर्सिटी घुमा दी है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज प्लीज प्लीज, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार, और ये वीडियो पूरा देखा करो एक बार, तो जरूर देख लिया करो यार। आप अगर नए आए हो तो वीडियो को देखने के लिए, तो वीडियो को स्किप मत किया करो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट भी लिख दो, आपको जो कमेंट करनी है वो करो, ताकि हमें पता चले कि हमें कैसे वीडियो बनानी चाहिए और आगे क्या क्या मैं बना सकता हूँ। चलो तो दोस्तों, हमने ये पूरी यूनिवर्सिटी घूम ली। चलो दोस्तों, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।